सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर्स में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेंसर या प्रदिश। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? टेंसर्स के बारे में, टेंसर या प्रदिश। ठीक है, जनरली हम फिज़िक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ हम जनरली पढ़ते हैं। एक तो हम कहते हैं अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़, और एक हम पढ़ते हैं कौन सी? सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटी। जनरल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसी क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है वो तो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और जिनको मैग्नीट्यूड को के साथ साथ अपने वेक्टर उसके डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो बेसिकली स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो जनरलाइजेशन है, या मैं कहूँ कि द जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ टेंसर क्वांटिटीज़। तो सदिश और अदिश राशियाँ या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेसिकली अपने पास कैसी क्वांटिटीज़ हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ हैं या प्रदिश राशियों का ही एक रूप है। ठीक है, जैसे हम कहें कि अगर ऑर्डर डिफाइन करें, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें कि भाई आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आपने एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, एल इक्वल्स टू वैल्यू आती है आई ओमेगा, है ना। या मैं और भी एग्जांपल कहूँ, हम पढ़ते हैं कि भाई करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू फार्मूला आता सिग्मा और वैल्यू आ गई ई, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और भी हम एग्जांपल कह दें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी आई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई म्यू और वैल्यू आ गई एच। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम कह दें, हुक्स लॉ हम पढ़ते हैं कि भाई स्ट्रेस ये हम क्या कहते हैं? प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यानी अपने पास क्या आ गई? विकृति आ गई। ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या आ गया? यहाँ हमारे पास आता है इलास्टिक कोफिशियंट या प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। इलास्टिक कोफिशियंट सपोजेड मैंने डिनोट कर दिया, सपोजेड मैंने कह दिया सी से डिनोट कर दिया। तो ये जो क्वांटिटीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और उसके साथ मैंने कहा इलास्टिक कोफिशियंट, ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं? ये बेसिकली हमारे पास कैसी क्वांटिटीज़ हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। यदि हम कहें कि कोई मीडियम है, कोई मीडियम सपोज दैट हमारे पास आइसोट्रॉपिक मीडियम है, समदेशिक अगर माध्यम है, यानी सभी दिशाओं में उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं? सेम है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मैं एग्जांपल लूँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक अदिश राशि की तरह व्यवहार करेगी। लेकिन यदि हम एक एनआइसोट्रॉपिक मीडियम यदि हम कंसिडर करते हैं, विषमदेशिक माध्यम यदि हम कंसिडर करते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शंस में उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में ये सिग्मा है ये बिहेव करेगा एक टेंसर क्वांटिटी की तरह, सेकंड ऑर्डर टेंसर की तरह बिहेव करेगा। सेम इसी तरीके से अपने पास एनआइसोट्रॉपिक मीडियम है तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये भी हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा? ना तो सदिश होगा ना ही अदिश होगा, बेसिकली कैसा होगा? प्रदिश राशि या एक टेंसर क्वांटिटीज़ की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से इलास्टिक कोएफिशिएंट है वो भी हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा? एक टेंसर क्वांटिटीज़ की तरह बिहेव करेगा। एल और ओमेगा अगर हमारे पास पैरेलल नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी एक टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली अपने पास कौन से ऑर्डर का टेंसर होता है? ये होता है हमारे पास, है ना, चाहे आई के लिए बात करें सिग्मा कह दें, म्यू कह दें, सी कह दें, ये बेसिकली कौन से ऑर्डर के टेंसर आते हैं? सेकेंड ऑर्डर के टेंसर आते हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट यदि थ्री डायमेंशन स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने कंपोनेंट आते हैं? नो कंपोनेंट हमारे पास इसके लिए कैलकुलेट आते हैं, 3^2, यानी नो कंपोनेंट हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहें कि प्रदिश, हमने कहा कि भाई सदिश और अदिश जो है वो बेसिकली प्रदिश का ही एक रूप है। अगर जीरोथ ऑर्डर की हम बात करते हैं, शून्य कोटि जीरोथ ऑर्डर, है ना, शून्य कोटि का प्रदिश, है ना, टेंसर ऑफ जीरोथ ऑर्डर है, ये बेसिकली हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है या अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं कहूँ प्रथम कोटि का प्रदिश, है ना, टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, वो हमारे पास कैसी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है ना। तो अदिश और सदिश राशियाँ जो हैं या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं ये बेसिकली हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज़ का ही एक रूप है, या इनका जनरलाइज फॉर्म में हम लिखें तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टेंसर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब टेंसर पढ़ने के लिए हमें कुछ जनरल डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, है ना, या जनरल फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। देखो, जनरली मैं कहूँ कि इन द एंड ऑफ 19th century, यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक टेंसर का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन जब
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट आया, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या एसटीआर में जब टेंसर को यूज़ किया, उसके बाद अपने पास जो टेंसर क्वांटिटीज़ हैं इनका यूज जो है फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज, जैसे मैकेनिक्स आ गया, हाइड्रोडायनेमिक्स आ गया, इलास्टिसिटी आ गया, बहुत सारी ब्रांचेज में इसका यूज़ होने लग गया। तो एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कहें टेंसर को देखो, शुरू करने से पहले कुछ एक जनरल डेफिनेशन आती है हमारे पास, जो हमारे पास टेंसर को रिप्रेजेंट करने में बार बार काम में आएगी, जिसे हम कहते हैं कौन सा फंक्शन, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने कह दिया दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सपोजिट पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने डिफाइन कर दिया किससे, एस डैश से डिफाइन कर दिया। यदि एस में किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट सपोजिट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस हम ले सकते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस लेंगे तो तीन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एन डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं तो एन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, या इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एक्स रेस टू पावर आई से, आई इक्वल्स टू वन टू से लेके वैल्यू आ गई कहाँ तक, एन तक आ गई। इसी तरीके से एस प्राइम में या एस डैश में कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स बार वन एक्स बार टू एक्स बार थ्री एंड सो ऑन, या इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एक्स बार आई से। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करें, क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन आती है, यदि मैं डिफाइन करता हूँ डेल्टा आई और वैल्यू आ गई जे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो बनेगी कब, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे हो, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू हमारे पास वन बनेगी कब, जब आई इक्वल टू वैल्यू हो किसके बराबर, जे के बराबर हो, या इसी क्रोनेकर डेल्टा को है ना हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज़ के एक्सपेंशन के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी काम में लिया जाता है। डेल आई जे इक्वल्स टू हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, डेल एक्स आई अपॉन वैल्यू आती है डेल एक्स जे। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जो बेसिकली क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी हैं, जो हमें टेंसर को रिप्रेजेंट करने में हम इसको बार बार काम में लेंगे। अब टाइप ऑफ टेंसर की हम बात करें, तो टाइप ऑफ टेंसर देखो, बेसिकली हम कहते हैं कि भाई एक तो क्वांटिटी आ गई हमारे पास अदिश राशि आ गई है ना, एक आ गई हमारे पास सदिश राशि आ गई, या अब इसको देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका है टेंसर क्वांटिटीज़ को, बेसिकली हम कहते हैं एक तो हम कहते हैं कौन सा टेंसर, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, या इसको हम दूसरे शब्दों में हम कहें इसका नाम आता है हमारे पास क्या, प्रतिचर प्रदिश, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा टाइप आता है हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर, या कौन सा आ गया, सहचर प्रदिश आ गया, ठीक है। तीसरा आ गया हमारे पास कौन सा, मिक्स टेंसर, या टेंसर आ गया कौन सा, मिश्रित प्रदिश आ गया, ठीक है। और एक पार्ट और हम डिफाइन करते हैं, इसको हमने कह दिया कौन सा आ गया, निश्चर, या हम कह दें क्या, इन वेरिएंट कह दिया, या हमने कह दिया कैसा आ गया, कोई निश्चर राशि आ गई, यानी कोई अदिश फलन आ गया, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो किसकी, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की हम बात करें, हम कहें कि जैसे हमने कहा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हमने एस, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हमने क्या, एस प्राइम या एस डैश, है ना। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल कोऑर्डिनेट हमने कहा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, या हमने डिनोट किया किससे, हमने डिनोट कर दिया इसको किससे, एक्स आई से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी के जो अपने पास कंपोनेंट्स हैं वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए ए वन ए टू ए थ्री से ए एन तक, या हमने रिप्रेजेंट कर दिए किससे, ए आई से, है ना। कॉन्ट्रावेरिएंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सुपरस्क्रिप्ट लगाकर, है ना। कोवेरिएंट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सबस्क्रिप्ट लगाकर, है ना। मिक्स्ड है उसमें सुपरस्क्रिप्ट भी आएगा और सबस्क्रिप्ट भी आएगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट, है ना, सुपरस्क्रिप्ट लगाकर हम मेंशन करेंगे ना। अभी हम मेंशन करते हैं एस प्राइम है, एस प्राइम में कोऑर्डिनेट आ गए एक्स बार वन आ गया, एक्स बार टू आ गया, एक्स बार थ्री आ गया, यानी वैल्यू आ गई एक्स बार आई। इसी तरीके से किसी पार्टिकल या सॉरी किसी फंक्शन के लिए कंपोनेंट आ गए ए बार वन ए बार टू ए बार थ्री एंड सो ऑन, तो वैल्यू आ गई ए बार आ गया और वैल्यू आ गई आई आ गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यदि हम लिखना चाहें कि एस प्राइम में किसी फंक्शन को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो एस में हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए आई से। तो देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का, ए बार और वैल्यू आ गई आई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल एक्स बार, वैल्यू आ गई आई अपॉन वैल्यू आ गई डेल
एक्स जे है ना, अगर बार आई ऊपर है तो ऊपर लिखना है हमें ना, तो वैल्यू आ गई ए जे आ गया और वैल्यू आ गई ए जे आ गया। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट लगाकर हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो हम कहते हैं देखो एन डायमेंशन स्पेस में, एन डायमेंशन स्पेस में पीएथ ऑर्डर है ना, एन डायमेंशन स्पेस में यानी एन विमी आकाश में, एन डायमेंशनल स्पेस में, स्पेस में अगर पी कोटि का प्रदेश है तो उसके कितने कंपोनेंट डिफाइन किए जाते हैं, एन रिस टू पावर पी कंपोनेंट डिफाइन किए जाते हैं। यानी मैं कहूं कि अगर थ्री डायमेंशन स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करना है, थ्री डायमेंशन स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, एन इक्वल टू वैल्यू आ गई कितनी, तीन आ गई, कौन से ऑर्डर का है, एक सुपरस्क्रिप्ट हमने लगाई यानी पी इक्वल टू वैल्यू आ गई कितनी, वन, तो एन रेस टू पावर पी एन वैल्यू आ गई थ्री रेस टू पावर वन, यानी कितने कंपोनेंट हमें मिलेंगे, तीन कंपोनेंट हमें मिलेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट से मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास कितने आएंगे, एन रेस टू पावर पी, एन जो है नंबर ऑफ डायमेंशंस आ गई और पी हमारे पास ऑर्डर ऑफ टेंसर आ गया। तो इसका मतलब थ्री डायमेंशन स्पेस में कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर के कितने कंपोनेंट हमें मिलेंगे, तीन कंपोनेंट हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना हो मुझे, यानी ये तो था किसमें, एस प्राइम में, और ये था किसमें, एस में, और यदि मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन यदि मैं इसका करना चाहूँ तो देखो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, तो इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐसा लिख दिया कि ए बार आ गया और वैल्यू आ गई आई, इसी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दैट डेल एक्स के आ गया अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स जे आ गया, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, मल्टीप्लाई कर दिया डेल एक्स के और वैल्यू आ गई डेल एक्स और वैल्यू आ गई आई और वैल्यू आ गई ए और जे, या इसी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ वैल्यू आ ए बार आई डेल एक्स के अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, देखो ये कितना बना, ये वैल्यू आ गई डेल एक्स के अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स जे और वैल्यू आ गई ए और जे। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन सा फंक्शन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है ना, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। हमने क्या कहा था कि डेल आई जे लिखूं या मैं लिखूं डेल के जे की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, डेल एक्स के और अपॉन वैल्यू बनेगी डेल एक्स जे। इसकी वैल्यू जीरो बनेगी कब, जब जे डज नॉट इक्वल टू के हो, और इसकी वैल्यू वन बनेगी कब, जब जे इक्वल टू के हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, देखो वैल्यू बनेगी ए आ गया जे आ गया डेल के आ गया और वैल्यू आ गई जे, इक्वल टू वैल्यू आ गई डेल एक्स के अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई और वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई आई। अब ये वैल्यू कब पॉसिबल है, ये वैल्यू सिर्फ तब पॉसिबल है जब जे इक्वल टू कितना हो, के हो जे, अदरवाइज ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो जे इक्वल टू के यदि हम रखें तो ये टर्म कितनी बन जाएगी, वन बन जाएगी। तो दैट मीन्स जे की जगह अगर हम के रख दें तो वैल्यू आ गई ए के आ गया और इक्वल टू वैल्यू आ गई डेल एक्स के अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई और वैल्यू आ गई ए बार और वैल्यू आ गई आई के इक्वल। तो ये हमारे पास प्रोसेस आ गया किसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो जैसे ये इक्वेशन हमने डिफाइन करी किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की, सेम इसी तरीके से यदि हम डिफाइन करना चाहें किसके लिए, सेकंड ऑर्डर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो वैल्यू सेकंड ऑर्डर को आप कैसे डिफाइन करोगे, वैल्यू आ गई ए माइनस आई और वैल्यू आ गई जे, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कैसे लिखें डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, कोई भी नया नोटेशन ले लिया मैंने डेल एक्स पी और वैल्यू आ गई डेल एक्स आ गया और वैल्यू आ गई क्यू, या वैल्यू क्या लिख दूं मैं, वैल्यू आ गई है ना ऊपर, अगर लिखा है सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है तो ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी, और अगर आप सहचर प्रदेश पढ़ रहे हो कोवेरिएंट पढ़ रहे हो, अगर हम नीचे इसको सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। तो इसको लिख दिया मैंने पी और क्यू लिया तो वैल्यू आ गई ए पी एंड क्यू आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने किसका, सेकेंड ऑर्डर कॉन्ट्रावेरिएंट
टेंसर का। तो सेकंड ऑर्डर है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, अगर मैं इसकी बात करूं कि थ्री डायमेंशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने डिफाइन किया था एन रेस टू पावर पी से हमने डिफाइन किया था। तो सेकंड ऑर्डर है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना बनेगा, देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने बनेंगे, थ्री डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो थ्री रेस टू पावर टू इक्वल टू वैल्यू कितने कंपोनेंट बनेंगे, 9 कंपोनेंट बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैं और भी कहूँ, मैं थर्ड ऑर्डर टेंसर की अगर मैं बात करूँ कि थर्ड ऑर्डर का यदि हमें कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर हमें लिखना है तो हम क्या लिखें, ए माइनस आई सॉरी ए बार आई जे के आ गया, वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे और वैल्यू आ गई डेल एक्स के अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स वैल्यू आ गई पी डेल एक्स वैल्यू आ गई क्यू और वैल्यू आ गई डेल और वैल्यू आ गई एक्स और वैल्यू आ गई आर। दैट मीन्स वैल्यू आ गई कितना आ गया, वैल्यू आ गई ए पी क्यू और वैल्यू आ गई आर। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई किसके लिए, थर्ड ऑर्डर कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर के लिए। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब पी की जो वैल्यू ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, थर्ड ऑर्डर आ गया। और थ्री डायमेंशन में अगर थ्री डायमेंशन में भी हम इसके कंपोनेंट लिखना चाहें तो थ्री डायमेंशन इसके कंपोनेंट कितने आएंगे, थ्री डायमेंशन एन इक्वल टू थ्री आ गया। ऑर्डर जो है, ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया, ऑर्डर हमारे पास कौन से ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का टेंसर आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट आ गए हमारे पास थ्री रेस टू पावर थ्री इक्वल टू वैल्यू आ गई 27। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके लिए, कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर या प्रतिचर प्रदेश की हमने बात करी, जिसको व्यक्त करते हैं हम किससे, सुपर स्क्रिप्ट लगाकर हम मेंशन करते हैं। इसी तरीके से टेंसर के जो दूसरा पार्ट है हमारे पास कौन सा है, कोवेरिएंट टेंसर है, जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे, सबस्क्रिप्ट लगाकर हम उसको व्यक्त करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।